हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तू झूठी मैं मक्कर फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है सिनेमा घरों में। ये एक रोमकॉम फिल्म है। जैसा ट्रेलर में हमने देखा है कि दोनों रणबीर और श्रद्धा के कैरेक्टर्स मिक्की और टीनी एक दूसरे का काटने में लगे है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है। दब्बास यानी कि अनुभव सिंह बस्सी के बैचलर्स पार्टी में मिक्की और टीनी एक दूसरे के प्यार में गिर जाते। सब अच्छा चल रहा होता है मिक्की और टीनी के लाइफ में। दोनों की फैमिली भी बहुत खुश होती है उन दोनों के लिए। अपने फैमिली बिजनेस के बाहर मिक्की और दब्बास कपल्स के ब्रेकअप कराने का बिजनेस भी करते हैं। और एक दिन टीनी उनको फोन करती है मिक्की से ब्रेकअप करवाने के लिए, ये ना जानते हुए कि वो मिक्की से ही बात कर रही होती है इस बारे में। उसका ब्रेकअप का रीजन भी बहुत सीरियस होता है जो हम स्पॉइल नहीं करेंगे। बस फिर आगे इस इंटरेस्टिंग कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, जिन्होंने ऑलरेडी इस जॉनरा में प्यार का पंचनामा और सोनू के टिट्टू की स्वीटी जैसे फैबुलस फिल्म्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है लव रंजन और अंकुर गर्ग ने। फिल्म में रणबीर और श्रद्धा के अलावा हम डिंपल कपाड़िया, बोनी कपूर और यूट्यूब के स्टैंड अप कॉमेडी सेंसेशन अनुभव सिंह बस्सी को भी देखेंगे। फिल्म के नेगेटिव्स की बात करें तो वो होगा इस फिल्म का रन टाइम जो कि 2 घंटे 40 मिनट है। फिल्म बहुत लंबी लगती है। फिल्म को एंगेजिंग बनने में भी टाइम लगता है। ऑलमोस्ट इंटरवल के बाद मेन मुद्दे पर फोकस होता है। उसके अलावा जितना फोकस मिक्की के फैमिली पर किया गया है उतना ही अगर टीनी के फैमिली पर भी किया होता तो अच्छा लगता। लव रंजन के फिल्म्स में अक्सर हम कैरेक्टर्स को एक सांस में लंबे डायलॉग्स बोलते हुए देखते हैं। इसलिए झूठ बोल के पकड़वाना नहीं है बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। वो इसे ह्यूमर जनरेट करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने इस चीज का कुछ ज्यादा ही ओवरयूज किया है और एक टाइम के बाद वो इरिटेटिंग लगने लगता है। फिल्म के पॉजिटिव्स की बात करें तो वो होगा रणबीर और श्रद्धा की केमिस्ट्री। वो दोनों साथ में एकदम नेचुरल लगते हैं। जब भी वो साथ होते हैं एक सेकंड भी बोर नहीं होता। कमाल का परफॉर्मेंस दिया है दोनों ने। उसके अलावा ये फिल्म बहुत ही ब्यूटीफुल है। होली के दिन रिलीज हुई ये फिल्म बहुत ही कलरफुल है, विजुअल्स कमाल के हैं और प्रीतम का म्यूजिक भी दमदार है। फिल्म की सबसे अच्छी चीज उसका एंडिंग है। एंड में जिस तरीके से मिक्की के सब फैमिली मेंबर्स का कैरेक्टर निखर के आता है वो लाजवाब है। राइटर राहुल मोदी और लव रंजन की तारीफ करनी होगी ये एंडिंग के लिए। बहुत आइकॉनिक एंडिंग है एंड जितना अच्छे से लिखा है उतनी ही अच्छे से सबने एक्ट भी किया है। DDLJ और जाने तो या जाने ना का एंडिंग जितना आइकॉनिक है उतना ही आइकॉनिक इस फिल्म का भी एंडिंग है। ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग लव रंजन फिल्म है, आपको देख के मजा आएगा। सो वेल फ्रेंड्स, ये था तू झूठी मैं मक्कर फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इंकरेज कीजिए। रिव्यू को रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसा भी विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।